सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनीष, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेप्टिलियन लियो पर, जहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 2 मिनट, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि लास्ट में बहुत ही मज़ा आने वाला है। द ब्यूटीफुल लाइन, और वो लाइन ये है कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके घर की खराब परिस्थितियाँ उन्हें कुछ बेहतर करने के लिए मजबूर कर देती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात फैक्ट नंबर 1 के साथ, वर्ल्ड्स डार्केस्ट बेबी। जी हाँ, ये जो पिक्चर अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, इस बच्ची का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसे वर्ल्ड्स डार्केस्ट बेबी कहा जाता है। तो बच्चे ही होते हैं जो कि बहुत ही क्यूट होते हैं, तो बताइए क्या इससे ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ, वेल्स हार्ट। जी हाँ, क्या आपको पता है कि वेल्स के हार्ट की साइज कितनी होती है। तो ये पिक्चर देखिए, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वेल्स के हार्ट की साइज कितनी होती है। और मुझे ये पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि हम इंसान उनके हार्ट्स में आराम से आ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड फैक्ट की तरफ, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ। जी हाँ, ये जो पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का व्यू है। समझ लीजिए और सोचिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि हम इंसान की टंग है, यानी कि हमारी जीभ है, जो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में ऐसा दिखता है। जी हाँ, नंबर 5th इज़ अबाउट द फेस ऑफ। जी हाँ, अभी जो आप अपने स्क्रीन पे जिसका चित्र देख रहे होंगे, ये कोई दानव नहीं है, ये तो वो एक बहुत ही बेहद और छोटा सा जीव है जो हमारे डेली लाइफ में हम इंसानों के आसपास ही मंडराता रहता है। जी हाँ, ये एक चींटी है जिसको आप अगर किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसका चेहरा कुछ इसी तरह दिखता है, जो कि बहुत ही भयानक डरावना लगता है। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ, दी हॉरिबल माउथ। अभी आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक समुद्री जीव है जिसे कछुआ कहते हैं। जी हाँ, ये कछुआ एक समुद्री जीव है जिसकी मुंह इतनी भयानक है अंदर से दिखने में, क्योंकि इसके मुंह में बहुत ही शार्प चीज़ है जिसे हम दांत भी कह सकते हैं, जो कि अगर किसी को दबोच ले तो उसका बाहर आना इम्पॉसिबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 2nd फैक्ट, हॉरिबल व्यू। जी हाँ, अभी जो आप अपने स्क्रीन पे जिस पिक्चर को देख रहे हैं, ये पिक्चर एक्चुअली में बुर्ज खलीफा की है, जिसके 124th फ्लोर की विंडोज़ को साफ़ करने के लिए वर्कर्स कुछ इस तरह से हवा में लटक के विंडोज साफ़ करते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही करेज वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं हमने 8th नंबर फैक्ट की तरफ, जापान हैव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनी इशू। जी हाँ, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक न्यूज़पेपर है, क्योंकि हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ऐसे ही कहीं फेंक देते हैं और वो एक वेस्टेज की तरह रोड पे चाहे अपने सराउंडिंग में ही फैल जाता है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए जापान ने अब अपने न्यूज़पेपर में कुछ सीड यानी कि बीज पैक कर देते हैं, जिससे कि अगर हम इसे कहीं पढ़ने के बाद फेंक भी देते हैं तो वो न्यूज़पेपर एक पौधा यानी एक पेड़ में बदल जाएगा, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा। मतलब वाकई में ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। अगला फैक्ट है द वेजिटेबल्स इन अलास्का। जी हाँ, अभी जो आप पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक्चुअली में अलास्का में उगने वाले फल और सब्जियाँ हैं, जो कि इतनी बड़ी बड़ी उगती हैं। वो इसलिए क्योंकि अलास्का में तकरीबन 20 आवर्स पर डे सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद पेड़ पौधों को और उनमें फल और सब्जियों को फोटोसिंथेसिस का बहुत ही फ़ायदा होता है, और उसके वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सब्जियाँ होती हैं। अगला फैक्ट है द हॉरिबल व्यूज़। जी हाँ, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर ये पिक्चर देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये आग है या फिर आग का गोला है जो कि आसमान से गिर रहा है, लेकिन जी नहीं, एक्चुअली में ये एक नॉर्मल सा बादलों का समूह है आसमान में, जो कि इस तरह से आसमान में इकट्ठा हो गया था और बहुत ही डरावना लुक दे रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट, वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन, जो कि जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं, और इन्हें ये खिताब इसलिए मिला है क्योंकि जेफ बेजोस से डाइवोर्स के तौर पे इन्हें
एलुमनी के तौर पर इतनी रकम मिली थी जिससे कि ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं, और इसीलिए इनका नेटवर्थ आज के टाइम में 68 मिलियन डॉलर है और इनका सोर्स ऑफ इनकम डाइवोर्स दिखाया जाता है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अब इन्होंने एक टीचर से शादी की है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और अब इन दोनों ने मिल के कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया है कि ये अपनी सारी संपत्ति या जो पैसे इनके पास हैं ये डोनेट करेंगे जिससे कि वे गरीब बच्चे सही से शिक्षा ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं फैक्ट डीप फैक ऑन टिकटॉक। जी हाँ, अभी जो आप अपने स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि ये टॉम क्रूज है, लेकिन जी नहीं, ये एक्चुअली में कोई दूसरा इंसान है जिसने टिकटॉक पे डीप फेक नामक अवेलेबल एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके टॉम क्रूज का चेहरा अपने वीडियो में फोटोशॉप किया है, और इसी की मदद से इसने अपने कई सारे वीडियोस वायरल किए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि टॉम क्रूज कभी भी टिकटॉक पे नहीं थे। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ, होल मेड बाई द नीडल इन ह्यूमन बॉडीज। जी हाँ, अभी जो आप पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्चुअली में हमारे स्किन में जब इंजेक्शन लगता है तो जो होल बनता है उससे अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें कुछ इसी प्रकार का दिखता है, जो कि वाकई में बहुत भयानक दिखता है, और इससे ये पता चलता है कि हमारी स्किन के कितने सेल डैमेज हो जाते हैं उस समय। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे हम कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें 1K की फैमिली कंप्लीट करनी है।